बढ़िया न्यू दृष्टि अकेडमी से यूनी आज आपके सामने फिर हाजिर। हम लोग फिर आज करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें ये कहता है कि जगदीश अरुण कुमार को अमेरिका क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। कहां का बनाया गया है? अमेरिका क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया है? इनको कोच बनाया गया है। ध्यान देना दोस्तों, ये कोच तो बनाया गया है लेकिन ये भारत के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में कहां के हैं? ये कर्नाटक के हैं। कहां के हैं दोस्तों? ये कर्नाटक के हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं बात करता हूं कि हमारे यहां पर ये अमेरिका क्रिकेट टीम के बनाए गए हैं, तो मैं भारत की बात करूंगा दोस्तों। तो हमारी क्रिकेट बोर्ड जो टीम वो हमारे पर जो है वो आईसीसी है। ये कौन है दोस्तों? एक संस्था है हमारे यहां पर जो क्रिकेट करवाती है, तो आईसीसी है। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है दोस्तों इसका नाम? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको पता होगा। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। कब हुई दोस्तों? 15 जून 1909 को हुई। लेकिन ध्यान देना कि हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो भी हमारे यहाँ पर जो देखा गया होगा, इतने सारे लोगों में इसका चेयरमैन हमारे पर कौन है, इसके सीईओ कौन है, इसके हेड कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो इसके सीईओ कौन है? सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हमारे यहाँ पर है मनु सहनी है। कौन है दोस्तों? मनु सहनी है। क्लियर हुआ? चलिए मैं बात करता हूँ अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर है। कौन है? शशांक मनोहर। तो ये आपको जानकारी होगी। लेकिन दोस्तों हमने आपने देखा होगा कि इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है आईसीसी का, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहां पर है? दुबई में। क्लियर हुआ? चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आया है आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना। ये हमारे यहाँ पर कब मनाया जाता है? इसका जो दिवस है वो हमारे यहाँ पर कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 30 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, इसलिए हमारे पर 30 अप्रैल को ये मनाया जाता है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि जब हमारे यहाँ पर ये आयुष्मान भारत योजना है, ये करती क्या है? ये सामाजिक आर्थिक लोगों से हमारे पर क्या बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये हमारे पर आयुष भारत योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा? 5 लाख रुपए तक का हमारे यहाँ पर क्या है? हेल्थ कवर क्या करेगा? ये करेगा हमारे यहाँ पर हेल्थ कवर करेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन राष्ट्र संघ ने भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के निधि के रूप में एस मतलब टी एस को क्या किया है? इन्हें नियुक्त किया है। तो मतलब स्थायी प्रतिनिधि के रूप में क्या कर दिया है उनको? टी एस को, हमारे टी एस मूर्ति जी को क्या कर रहे हैं? इन्हें नियुक्त किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमारे यहाँ पर यूएनओ ने किया है, तो यूएन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। यूएन का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और 24 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर क्या मनाया था? यूएन दिवस मनाया जाता है। लेकिन ध्यान देना कि हमारे पर इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। चलिए ध्यान देना कि हमारे यहाँ पर इसके हेड पूछ लेता है तो हमारे पर अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा कौन है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए एंटोनियो गुटेरेस है। क्लियर हुआ? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। जीवन अमृत योजना होती क्या है ये भी आपको जानकारी होगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना शुरू की है तो ये किसके लिए की है, क्यों की है, ये भी ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा एक चूर्ण बनाया गया है, उस चूर्ण का नाम है क्या? त्रिकूट, त्रिकूट चूर्ण। ये जो त्रिकूट चूर्ण बनाया गया है इसमें हमारे यहाँ पर क्या होगा कि जो जितनी हमारे पर इम्यूनिटी होती है या हमारे यहाँ रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान देना इसमें हमारे पर 3 चीज मिलाई गई है। जैसे हमारे यहाँ पर त्रिफला होता है उसी प्रकार ये भी बनाया गया है। जैसा त्रिफला बनाया जाता है हर्रा बैडा और हमारे यहाँ पर आंवला से, तो उसी प्रकार इसको भी बनाया गया है। किससे? तो हम लोग देखते हैं तो ये बनाया गया है पीपल, आपने देखा होगा काली मिर्च, और ये क्या है? ये अदरक। तो हमारे यहाँ पर पीपल का पेड़ जो होता है उससे उसके फल से बनाया जाएगा, हमारे काली मिर्च से बनाया जाएगा और अदरक से मिलकर ये बनाया जाएगा। इसका नाम क्या है? त्रिकूट चूर्ण बनाया जाएगा। क्लियर हुआ दोस्त? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। केरल ने
बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना शुरू की है। बंजर भूमि पर कृषि परियोजना, दोस्तों बंजर भूमि पर कुछ होता नहीं है तो हमारे पर क्या है कि अब उसे उपजाऊ बनाया जाए, ये हमारे पर पहल किसने शुरू किया है, केरल ने शुरू किया है। तो केरल के बारे में भी आपको पता होगा, तो केरल की राजधानी क्या है हमारे यहाँ पर, तिरुवनंतपुरम है। क्या है दोस्तों हमारे पर, तिरुवनंतपुरम है, ये आपको पता होगा। लेकिन ध्यान देना कि हमारे यहाँ पर मैं बात करता हूँ पीवीसी, हमारे यहाँ पर पीवीसी जो कौन है, यहाँ के सीएम है, ठीक है। मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पर कौन सा मोहम्मद खान है, कौन है हमारे यहाँ के मोहम्मद खान जी, कौन यहाँ के गवर्नर, क्लियर हुआ। चलिए तो बात करता हूँ नेक्स्ट, भारत ने एडीबी, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया है, का ऋण का क्या किया है इन्होंने, समझौता किया है। किसने किया है, भारत ने एडीबी के साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने हमारे यहाँ पर क्यों किया है ये तो आपको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कोविड के बारे में बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, तो इन्हीं के लिए हमारे पर इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एडीबी का नाम आया है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, तो इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको पता होगा। तो इसकी स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में है, कहां पर है दोस्तों, मनीला में है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा मसुगू है, कौन है हमारे यहाँ पर, मसुगू जी है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं त्रिपुरा ने नेबरहुड क्लास शुरू करने की घोषणा की है, त्रिपुरा ने नेबरहुड क्लास शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा दोस्तों, और त्रिपुरा ने की है तो नेबरहुड क्लास क्या है ये सुनिएगा। यहाँ पर जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते हुए हमारे यहाँ पर क्या होगा कि 5 स्टूडेंटों को टीचर पढ़ाएंगे, मतलब 5-5 स्टूडेंट करके क्या होंगे, टीचर इनको शिक्षित करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे यहाँ पर नेबरहुड क्लास चालू किया है, तो किन ने किया है, त्रिपुरा ने। तो त्रिपुरा के बारे में आपको पता होगा, त्रिपुरा की राजधानी है क्या, अगरतला है, क्या दोस्तों, अगरतला है। और यहाँ के बिप्लव कुमार देव कौन है, बिप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम है, कौन है दोस्तों, सीएम है। और आपने रमेश बैस जी का नाम सुना होगा, तो ये कौन है हमारे यहाँ पर, गवर्नर है। तो रमेश बैस जी कौन है, गवर्नर है, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो वन स्टॉप वेबसाइट दिल्ली ने लॉन्च की है, क्यों सी वन स्टॉप वेबसाइट दिल्ली ने लॉन्च की है, तो ये क्या है, ये कोरोना वायरस के लिए हमारे यहाँ पर है दोस्तों, कि तत्कालीन हम पता लगा सकें और सारी जानकारी हमें एक जगह प्राप्त हो सके, इसलिए हमारे पर क्या है, तो इस वेबसाइट का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वेबसाइट का नाम है delhifitscorona.in, हमारे पर क्या है दोस्तों, तो delhifitscorona.in, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल गुजरात ने शुरू किया है, उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल गुजरात ने शुरू किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये उम्बारे आंगनवाड़ी है क्या, ये उम्बारे आंगनवाड़ी एक ऐसी योजना है जो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि आज हमारे पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो वहां पर बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब हमारे यहाँ पर क्या होगा, उन बच्चों तक पहुंचने के लिए हमारे पर क्या लाया गया है, उम्बारे आंगनवाड़ी की हमारे पर योजना नामक पहल लाया गया है। ये किनने लाया है, ये गुजरात ने लाया है, और ये गुजरात है तो आपको ध्यान देना होगा कि गुजरात की राजधानी क्या है हमारे यहाँ पर, तो गांधीनगर है दोस्तों। तो हमारे पर गांधीनगर क्या है, यहाँ की राजधानी है। लेकिन आपने यहाँ पर सीएम का नाम सुना होगा, तो विजय रूपाणी जी हैं, कौन है दोस्तों, विजय रूपाणी जी हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे पर आचार्य देवव्रत जी कौन है, तो यहाँ पर गवर्नर है, कौन है, आचार्य देवव्रत जी गवर्नर है, क्लियर हुआ। चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब आता है हमारे यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त को बनाया गया, दीपांकर दत्त को बनाया गया है दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इतनी ही, तो हमारे पर बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपांकर को बनाया गया है। यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही दोस्त, गुड नाइट।